इंडस्ट्रियल वाटर पॉल्यूशन को राउंड करो, औद्योगिक जल प्रदूषण क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए ध्यान से देखेंगे। व्हेन इंडस्ट्रियल वेस्ट लाइक क्लोराइड, क्लोराइड को राउंड करो, सल्फाइड को राउंड करो, नाइट्रस को राउंड करो, ड्रॉप इन वाटर, देन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर रिड्यूस, ऑक्सीजन को राउंड करो। आपका क्वेश्चन तीन तरीके से आया, तीनों को मैं डिस्कस कर रही हूँ। पहले तो आप अपना क्वेश्चन ये बताएं कि औद्योगिक कचरे से या इंडस्ट्रीज जो है वो वेस्ट से क्या क्या निकलता है, नाइट्रस और सल्फाइड। कोई भी औद्योगिक कचरा होता है, इंडस्ट्रीज वेस्ट जितने भी होते हैं, फाइनली तो सबका ड्रेनेज आप कहाँ देखकर रखते हो, ठीक है, निकालते हो, या तो गंगा में मिलेगी या नदियों में मिलेगी, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी वो सारे जाकर, ठीक है। वो पानी में किस चीज को कम कर देंगी, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जब पानी में कम हो जाएगा और वैसे पानी को हम पिएंगे तो हमें पेचिस, हैजा, आपका जो है वो जॉन्डिस, कई तरीके की जो टाइफाइड, कई तरीके की बीमारी होगी। हम लोग कैसे कहते हैं, लगता है खराब पानी पी लिया था, क्लियर है। ये सारा चीज किससे होगा, इससे। अब पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि इनमें से कौन कौन औद्योगिक कचरे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज आपका वेस्ट है। दूसरा क्वेश्चन आपका आया था कि वाटर पॉल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार किसको माना गया है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट को, क्लियर। औद्योगिक कचरा ही उसके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है, क्लियर है, समझ गए। वेरियस काइंड ऑफ डिजीज आर कॉज्ड ड्यू ड्रिंकिंग वाटर लाइक कॉलरा, पेचिस, टाइफाइड, पोलियो, हो गया। मिनी माटा क्वेश्चन आ चुका है, राउंड करो। मिनी माटा डिजीज वाज कॉज्ड फ्रॉम मरकरी डिजॉल्व इन वाटर एंड रिजल्टिंग पॉल्यूशन, मरकरी को राउंड करो, पारा। जापान में हुआ था मिनी माटा, कहां पर हुआ था, जापान में। आपसे क्वेश्चन था कि जापान में मिनी माटा रोग का कारण क्या था, ठीक है, पानी में डिजॉल्व हो गया, घुल गया, क्या, मरकरी या पारा, क्लियर। तो पारे का पानी में घुल जाना ही मिनी माटा डिजीज है। अब आपसे क्वेश्चन अगर करेगा कि मिनी माटा समय किस लिए किया जाता है, किस लिए किया जाएगा सम्मेलन, मरकरी को कम करने के लिए, यही तो होगा। कहाँ पर होगा मिनी माटा, क्योंकि ये बीमारी कहाँ फैली, जापान में। इटाई इटाई कैडमियम पॉल्यूशन को राउंड करो, इटाई इटाई डिजीज, लीवर, लंग कैंसर मिला, कैडमियम पॉल्यूशन को राउंड करो, समझ गए। आप बोलेगा इटाई इटाई बीमारी किससे हो रहा है, यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए कैडमियम दे सकता है, ठीक है, क्लियर। अब एक तरफ से आपके पूछ देगा, उधर में सिलिकोसिस एयर पॉल्यूशन लिख देगा, इटाई इटाई वाटर पॉल्यूशन लिख देगा, मैच द फॉलोइंग के लिए क्वेश्चन चल देगा, समझ रहे हो। ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट को राउंड करो, नाइट्रेट पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, मीथेग्लोबिन और बेबी सिंड्रोम को राउंड करो, मीथेग्लोबिन और बेबी सिंड्रोम डिजीज आर फाउंड इन द न्यूबॉर्न बेबीज, मिला। अब बोलेगा किसके कारण बच्चों में जो है मीथेग्लोबिन नामक डिजीज हो जाता है, तो किस कारण से होता है, नाइट्रोजन और नाइट्रेट, क्लियर है, समझ गए। आप पूछेगा किस पॉल्यूशन से हो रहा है, किस पॉल्यूशन से, वाटर पॉल्यूशन से हो रहा है, समझ गए। ऐसे बच्चों के होंठ लटके होते हैं, मोटे होते हैं, सिर आगे निकला होता है, एक तरफ से लटके हुए होते हैं, आप नॉर्मल होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी, उनको बाहर का पानी पीने से मना किया जाता है, क्योंकि बच्चों में कौन सा डिजीज हो सकता है, मीथेग्लोबिन और बेबी सिंड्रोम, जिसका मेन रीजन होगा नाइट्रेट। नेचुरल वाटर पॉल्यूशन क्वेश्चन आ चुका है, राउंड कीजिए। आर्सेनिक और फ्लोराइड को राउंड करो, बोलेगा प्राकृतिक जल प्रदूषक के रूप में किसको किसको लिया गया है, आर्सेनिक और फ्लोराइड। आर्सेनिक को राउंड करो, लाइक व्हाइट पाउडर,
सफेद पाउडर की तरह, कौन सा पॉल्यूटेंट दिखता है या कौन सा जल प्रदूषक सफेद पाउडर की तरह, व्हाइट पाउडर की तरह, तो कौन सा है? आर्सेनिक। कहाँ पाया जाता है हाई क्वांटिटीज में? बंगाल। ब्लैक फूड डिजीज को राउंड करो। ब्लैक फूड डिजीज आर्सेनिक वाले पानी से होता है, ठीक है? रीजन ये ना, आर्सेनिक जिस पानी में होता है वो सबसे ज्यादा, जिस रिवर में, उस रिवर का नाम है दामोदर, ठीक है? आर्सेनिक जिस रिवर में सबसे ज्यादा होता है उसका नाम दामोदर है। दामोदर बंगाल में जाता है, ठीक है? इसीलिए दामोदर को कहा जाता है सौरो ऑफ बंगाल, बंगाल का शोक। जैसे हम लोग कहते हैं बिहार का शोक कोसी है, एवरी ईयर बाढ़ लेकर आएगा, फ्लड लेकर आएगा, क्लियर? वैसे ही हम लोग बंगाल का सौरो किसे कहते हैं? दामोदर। दामोदर को सौरो कहने के पीछे रीजन क्या, उसमें कौन सी चीजें पाई जाती है? आर्सेनिक। और जिसकी वजह से बंगाल के लोगों को ब्लैक फूड डिजीज होता है, पैर फट जाते हैं नीचे से, ठीक है, ब्लैक होने लगते हैं, और वो क्रैकिंग ऐसी होती है कि जल्दी फील नहीं होता। अब क्रैकिंग होगा तो उस कंडीशन में उसमें धूल कण वगैरह अंदर जाएंगे, वो फूड कैंसर के रूप में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है? फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड को राउंड करो। अकॉर्डिंग टू WHO क्वेश्चन आ चुका है, मोर देन 1% फ्लोराइड इन पर लीटर वाटर इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, क्लियर? क्वेश्चन आपका ये बोला था कि WHO ने फ्लोराइड का कितना परसेंट तय किया है एक लीटर में, तो कितना परसेंट, ठीक है? 1% से ज्यादा होगा तो क्या होगा? हार्मफुल होगा, क्लोरोसिस बीमारी होगा इससे, ठीक है? राउंड कर लो, अभी नीचे लिखा हुआ है लेकिन उससे पहले देख लेना, मसल्स एंड बोन आर इफेक्टेड। फ्लोराइड युक्त पानी अगर आप पिएंगे तो आपका मसल्स और आपकी मांसपेशी और आपकी हड्डियां प्रभावित होंगी, ठीक है? द डिजीज कॉल्ड बाय इट इज कॉल्ड फ्लोरोसिस। राउंड करो, समझ गए? याद करने की क्षमता बढ़ रही है, कल से आज में याद नहीं किया था आप लोगों ने, थोड़ा थोड़ा, ये तो जो बढ़ेगा ना उसके बाद देखना, भी तो मेरी इसकी रफ्तार बढ़नी होगी। सुन किया ना पहले एक बार, अभी तो आपके पास बहुत सारा आने वाला है, अभी तो इंडिया में HFC-23 वगैरह पढ़ना बाकी है, सिलेबस प्रिंट करने के लिए भेज दिया है, नेक्स्ट आओगे तो मिल जाएगा, ठीक है? तब तक शायद मैं हिंदी का भी क्वेश्चन बना लूं, इंग्लिश का तो बना हुआ है, हिंदी का भी बना लूं, तो क्वेश्चन भी साथ साथ देती जाऊंगी। चलिए डिटर्जेंट में राउंड करो, सोडियम ट्राइपोलीफास्फेट मिला। अब देखो साबुन की टिक्की में, ये जो हम रिन यूज करते हैं, टाइड यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, और एक से एक साबुन यूज करते हैं जिससे कपड़े बिल्कुल साफ हो जाएंगे, ठीक है? एक्चुअली में वो साबुन उस डिटर्जेंट में क्या मिला होता है? सोडियम ट्राइपोलीफास्फेट, क्लियर है? पानी को पॉल्यूशन में डालेगा, पॉल्यूटेंट करेगा, प्रदूषण करेगा, क्योंकि हम जो नहाएंगे, हम जो कपड़े धोएंगे, फाइनली तो ड्रेन होकर निकलेगा, ठीक है? और उसके साथ क्या निकल रहा है? सोडियम ट्राइपोलीफास्फेट। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि डिटर्जेंट में आप क्या मिलाते हो जिसकी वजह से हार्ड पानी भी सॉफ्ट हो जाते हैं और कपड़े आसानी से धुल जाएंगे, तो कौन सा है? सोडियम ट्राइपोलीफास्फेट मिला है, ठीक है? इट मेक हार्ड वाटर सॉफ्ट बाय विद डर्ट इज इजीली क्लीन फ्रॉम क्लॉथ, मिला। सॉइल पॉल्यूशन क्वेश्चन आ चुका है, राउंड करो, मैं बताती हूँ आंसर क्या होगा इसका। रेन, एयर, बारिश होगा, हवा होगा, तापमान, टेम्परेचर होगा, वॉल्केनो, आर्थक्वैक, ये सब सब क्या करेगा? सॉइल को जो है वो खराब करेगा, ठीक है? ब्रैकेट में लिख लो, सबसे ज्यादा है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। सॉइल पॉल्यूशन का मेन रीजन है आपका ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, समझ गए? सॉइल का पहला लेयर टूट गया, एग्जाम्पल ही ले लो, अभी गांव में पानी पड़ा, ट्रैक्टर चल दिया, ठीक है? या कहीं रोडों पर पानी बिखरा हुआ है, ट्रैक्टर हम चला दिए, अपनी बाइक चला दी, अपनी साइकिल चला दी, अपने ही चल दिए, ठीक है? कुछ भी करेंगे हमारे पैरों में भी मिट्टी लगेगी, ठीक है? चप्पल में हमारे आ जाते हैं, स्लीपर्स वगैरह में, ठीक है? दूसरा जो है वो अगर ट्रैक्टर चलता है तो पूरे चक्के में मिट्टी लपेट चुके होते हैं, क्लियर?
मिट्टी को तो आपने खराब कर दिया, क्योंकि मिट्टी का पहला लेयर तो आपने उखाड़ दिया। जो सबसे ज्यादा डेवलप होता है, जो सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है, सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, उसे आपने तोड़ दिया। समझ गए? तो ट्रांसपोर्टेशन सॉइल पॉल्यूशन मेन रीजन है, मेन रीजन में सब जाएगा, ग्रेजिंग वगैरह सब जाएगा, लेकिन मेन क्या जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, तो जब नहीं मिलेगा तो अभी पूरा लिखेंगे हम लोग किसमें किसमें सॉइल पॉल्यूशन होगा। कल ही तो हम लोग अपने सब्जेक्ट में पढ़ भी रहे थे, ठीक है। इवन जो है सीढ़ीदार के कृषि वगैरह सब इसके लिए जो नुकसान देगा, सब आएगा, वो चलेगा, देंगे, बहुत देंगे। चलिए, यूकेलिप्टस को राउंड करो, ट्रीज ऑल्सो इंक्रीज द बारनेस ऑफ लैंड। यूकेलिप्टस पेड़ भूमि की बंजरता को बढ़ा देता है, मिला? एक्चुअली क्या है, इसको यूकेलिप्टस को पूरा इकोलॉजी का टेररिस्ट कहा जाता है, आतंकवादी है ये, क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसकी जड़ें, इसकी रूट्स इतनी गहरी होती हैं कि ये आसपास से भी पानी खींच लेगा। पता लगा आपने अपने प्लॉट में, अपने खेतों में पानी दिया अपने आलू उपजाने के लिए, और अगर यूकेलिप्टस है तो सारा आलू का पानी खींच दिया, आलू खराब, यूकेलिप्टस बढ़िया, ठीक है, समझ गए? क्लियर? इसीलिए हम जितना भी रोडों के किनारे लगाते हैं, फ्लाईओवर के किनारे लगाते हैं, रेलवे लाइन के किनारे लगाते हैं, सब हम यूकेलिप्टस लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ इरिगेशन या सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप पानी लेगा अपने आप, और महंगा काफी है, ठीक है। इन्वायरमेंट को क्लीन करने की बात तो नहीं कहा जा सकता है वैसे।